डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3G को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कल फोन करके रिक्वेस्ट किया कि सर पीछे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको दोबारा फिर से समझा दीजिएगा। तो आज हम लोग पीछे की एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1B, आज एक्सरसाइज 1B के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बाई थ्री एक नंबर है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के पहले सबसे पहले यह देखेंगे कि 1/3 किस दो नंबर्स के बीच में होंगे। तो 1/3 या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इसलिए 1/3 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। उसके बाद हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ओ लेते हैं, पॉइंट ओ जो 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम यहां पर पॉइंट ए लेते हैं जो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 0 और 1 के बीच में होगा, यानी ओ और ए के बीच में होगा। तो ओ ए को यहां पर डिनोमिनेटर 3 है, तो ओ ए को 3 पार्ट में बांटेंगे। इसके लिए दो लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे तो यह 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। 1, 2, 3, 3 पार्ट हो गया। ओ ए को 3 पार्ट में बांट दिए। इसके बाद हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे, इसका न्यूमरेटर 1 है। तो अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो न्यूमरेटर 1 है, तो 1 यहां पर आता है। तो यही पॉइंट जो होगा वह 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। मानते हैं कि यह पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर लिख देंगे सो पॉइंट पी रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 1/3। पॉइंट पी रेशनल नंबर 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। यह नंबर लाइन है या ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वे निगेटिव होते हैं। इधर निगेटिव होता है, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, और राइट साइड ओ के राइट साइड जो होंगे वह पॉजिटिव होंगे, राइट साइड। तो 1/3 पॉजिटिव है, तो हम इसको जो है ना ओ के राइट साइड की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसमें तो नहीं है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। चाहे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 का 4,
क्वेश्चन नंबर 1 का 4, यहाँ पर 2 होल 2 बाई 5 है, 2 होल 2 बाई 5 है, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर में रहता, जैसे मैं 5 2 10 और 2 12 12 बाई 5 रहता, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो इसको हम फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। 12 बाई 5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते तो 2 होल 2 बाई 5 होता। तो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे 12 बाई 5 है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 2 होल 2 बाई 5 हुआ। अब 2 होल 2 बाई 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किस दो नंबर के बीच में होंगे। तो 2 होल 2 बाई 5, 2 होल 2 बाई 5 या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 2 होल 2 बाई 5 2 से बड़ा होगा, यहाँ पर 2 है, निश्चित रूप से यह 2 से बड़ा होगा, लेकिन 2 के बाद 3 होता है और 3 से छोटा होगा। तो 2 होल 2 बाई 5 2 और 3 के बीच में होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर पॉइंट O लेते हैं, यह पॉजिटिव है। 2 होल 2 बाई 3 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वह पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो यह जो है राइट साइड में होगा, ओ के राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ओ लेते हैं जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद पॉइंट ए लेते हैं जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट बी लेते हैं जो 2 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट सी लेते हैं जो 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 होल 2 बाई 3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 2 होल 2 बाई 3 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी बी और सी के बीच में होगा। तो बी सी पार्ट को यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 है, तो बी सी पार्ट को हम 5 पार्ट में बांटेंगे। इसके लिए 4 लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और ईच पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि ईच पार्ट इक्वल होना चाहिए। 4 लाइन ड्रॉ किए तो यह बीसी का पांच पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, बीसी 5 पार्ट में बट गया। उसके बाद हम न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो 2 है तो अब इस साइड से यानी बी से आप राइट साइड की तरफ, क्योंकि हम इधर बांटे हैं राइट साइड वाला पार्ट को बांटे हैं, तो इधर काउंट करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर 2 है तो 2 स्टेप इधर आएंगे, 2 स्टेप इधर आएंगे, तो हम 2 स्टेप इधर आएंगे तो काउंट करते हैं, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आता है, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। तो यह जो पॉइंट होगा मानते हैं कि यह पॉइंट पी है, तो यही पी पॉइंट जो है 2 होल 2 बाई 5 को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट पी 2 होल 2 बाई 5 को रिप्रेजेंट करेगा, लिख देंगे, सो पॉइंट पी रिप्रेजेंट 2 होल 2 बाई 5। अगर यह निगेटिव होता, 2 होल 2 बाई 5 अगर निगेटिव होता, तो जो प्रोसेस हम इधर किए हैं ओ के राइट साइड किए हैं, वही प्रोसेस ओ के लेफ्ट साइड में करना होता। जैसे मैं क्वेश्चन 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन 2 में जो नंबर्स दिए हुए हैं वे सारे के सारे निगेटिव में हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे बोल रहा है। तो हम यह जो प्रोसेस जो मैंने राइट साइड किया है, यही प्रोसेस हम लेफ्ट साइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए जैसे में टू का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट यहाँ पे कहता है -1/3। क्वेश्चन नंबर वन में 1/3 था, वन का पहला 1/3 था और मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे टू का वन में -1/3 है, यहाँ पर पॉजिटिव में था, यहाँ पर निगेटिव में है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक लाइन खींचेंगे, पॉइंट ओ लेंगे, पॉइंट ओ लेंगे, इस साइड निगेटिव होता है, यानी आपके लेफ्ट साइड, ओ के लेफ्ट साइड जो नंबर्स होते हैं वे निगेटिव में होते हैं। तो सबसे पहले हम -1/3 पहले देखेंगे या किस दो नंबर्स के बीच में होंगे। तो -1/3 यह जो नंबर है यह जो है -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। -1/3 -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। देख, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के पहले हम पहले यह फाइंड करेंगे कि यह नंबर जिसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यह किस दो नंबर्स के बीच में होंगे। यह फाइंड करने के बाद तभी उस नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो -1/3 से बड़ा है, -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा। अब यहाँ पर हम पॉइंट ए डैश लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए डैश लेते हैं। अब वो पॉइंट है जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ए डैश है जो -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो -1/3 0 और -1 के बीच में होगा, यानी ओ और ए डैश के बीच में होगा। तो ओ और ए डैश को तीन पार्ट में बांटेंगे क्योंकि यह डिनोमिनेटर 3 है। तो ओ ए डैश को तीन पार्ट में बांटने के लिए, इसके लिए हमको दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 और 2, तब यह तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, तीन पार्ट में बढ़ गया। उसके बाद न्यूमरेटर कितना है, 1 है। तब आप क्या करेंगे, हम ओ से लेफ्ट साइड में 1, वहां पर 1 है तो इधर काउंट करेंगे 1, यहां पर 1 आता है। तो यह जो पॉइंट होगा, यह जो पॉइंट होगा यही -1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मानते हैं कि यह पॉइंट पी डैश है, तो यह पी डैश, पॉइंट पी डैश नंबर -1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी -1/3 यहां पर नंबर लाइन पर यहां पर होगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अगर मानते कि यह निगेटिव नंबर्स यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते। एग्जांपल के लिए क्वेश्चंस 2 का 4, 5, यहाँ पर -4/3/5 दिया हुआ। अब इसको जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -4/-4/3/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले -4/3/5 किन दो नंबर्स के बीच में होंगे इसे फाइंड करते हैं। तो -4/3/5 ये जो नंबर्स है या -5 से बड़ा होगा, -4/3/5 लेकिन -4 से छोटा होगा। -4/3/5 -5 से बड़ा होगा और -5 से छोटा होगा। अब उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ओ लेते हैं, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ओ जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद इधर यह निगेटिव है,
हमको इस साइड से कोई लेना देना नहीं है, हम इस साइड के तरफ जो निगेटिव्स होते हैं ओ की लेफ्ट साइड होते हैं, हमको इधर से मतलब है। अब हम ए पॉइंट लेते हैं, ए डैश लेते हैं जो माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है, बी डैश लेते हैं जो माइनस टू को रिप्रेजेंट करता है, सी डैश लेते हैं जो माइनस थ्री को रिप्रेजेंट करता है, डी डैश लेते हैं जो माइनस फोर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ई डैश लेते हैं जो माइनस फाइव को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव या माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस फोर के बीच में होगा, माइनस फाइव और माइनस फोर के बीच में होगा, यानी डी डैश और ई डैश के बीच में होगा। तो डी डैश और ई डैश को कितने पार्ट में बांटेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर फाइव है तो इसे पांच पार्ट में बांटेंगे, इसके लिए हम चार लाइन ड्रॉ करेंगे। तो डी डैश और ई डैश पांच पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो चार लाइन ड्रॉ करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो पांच पार्ट में बट गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पांच में बट फाइव पार्ट में डी डैश और ई डैश बट गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर थ्री है, तो अब तीन पार्ट इधर जाते हैं, तीन स्टेप इधर जाते हैं, तीन स्टेप हम डी डैश से ई डैश की तरफ जाते हैं। तो हम काम करते हैं, वन टू और थ्री, तीसरा का स्टेप यहां पर आता है। तो यह जो पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, जो यह पॉइंट होगा, यही पॉइंट माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं पी डैश, क्यू डैश, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे क्यू डैश मान लिया, तो पॉइंट क्यू डैश रिप्रेजेंट करेगा माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव को। यहां पर लिख देंगे नीचे पॉइंट Q डैश रिप्रेजेंट माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव। तो इस प्रकार किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक्सरसाइज वन बी को इसलिए बताया कि कल एक बच्चा फोन किया था और रिक्वेस्ट किया था कि सर फिर से दोबारा किसी भी नंबर लाइन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फिर दोबारा सर बतलाइएगा। इसलिए मैंने एक्सरसाइज वन बी के जो क्वेश्चंस हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको मैंने बतलाया। और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज थ्री सी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।